हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये एक पायदान बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 20 फंदे डाले हुए हैं। मैं दो दो के मल्टीप्लाई से फंदे डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 20 फंदे डाल लिए और यहाँ से हर बार दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे और इधर साइड को एक 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 फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। ये जो बीच में है यहाँ तक, ये 10 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये 20 फंदे का बना हुआ है। तो दो दो फंदे अगर हम छोड़ेंगे तो ये 10 लाइन बनेंगे और यहाँ पे 10 फंदे बढ़ जाएंगे। और फिर इधर साइड जैसे 10 फंदे बढ़ेंगे, वैसे एक एक करके ये 10 फंदे इधर घटते जाएंगे और इधर से दो दो फंदे करके बढ़ के हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसे आप छोटा बड़ा और भी बड़ा बनाना चाहो तो और भी ज़्यादा फंदे डाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि फंदे दो के मल्टीप्लाई से डालने हैं। ये हमने दो कलर से बनाया हुआ है, 6-3 कली जो है कि एक कलर से बनाया है और 3 कली दूसरे कलर से बनाया हुआ है। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे बना सकते हो। अब इसको बनाने के लिए हम इसमें 20 फंदे डालेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये हमने 20 फंदे डाल लिए हैं पूरे। अब पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। ये पूरी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। ये हमने पूरी उल्टी सिलाई बुन ली है। अब यहाँ पे इस फंदे को उतार करके और कपड़े की पट्टी को आगे को कर लेंगे। अब ये जो हमने फंदे डाले थे, पट्टी बची थी, वो इस पट्टी के बीच में ले करके इसको ऐसे बुनते जाएंगे। अब ये भी पूरी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। हमने ये पूरी दो उल्टी सिलाइयां बुन ली हैं। हमारी ये दो उल्टी सिलाई, इस साइड से पहले उल्टी सिलाई बुनी थी, फिर अब इस साइड से बुन लिया। अब इस सिलाई में क्या करेंगे, इस फंदे को पहले उतार लेंगे, फिर इस पट्टी को पलटेंगे नहीं। अब यहाँ पे इस फंदे को पहले ऐसे पीछे को लेंगे, ऐसे बुन लिया, फिर इस फंदे को उतारेंगे नहीं, इस पट्टी को ऐसे आगे को करके फिर इसमें ये बुन लिया। अब इससे हमारे जो है कि ये दो फंदे हो गए, एक फंदा हमारा बढ़ गया। ऐसे ही हर बार हमें करना है। अब एक फंदे में हमने दो फंदे कर लिए तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब पूरी ऐसे उल्टी सिलाई बुन लेंगे बाकी। तो हमने ये पूरी उल्टी सिलाई बुन ली है। अब इधर से ये दो फंदे छोड़ देंगे बिना बुने हुए। अब इस कपड़े की पट्टी को ऐसे पलट लेंगे और सिलाई को भी पलट लेंगे। उल्टी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है। हर बार यहाँ से दो फंदे छोड़ना है और इस साइड से एक एक फंदे बढ़ाते जाना है। अब ये हम पूरी सिलाई बुन लेते हैं। ये पूरी उल्टी सिलाई बुन ली है। अब इस कपड़े पर सिलाई को पलट लेंगे। पलटने के बाद पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद इस पट्टी को आगे को नहीं पलटेंगे, फिर इस फंदे में पहले ऐसे पीछे को सिलाई को करके
ऐसे ये फंदा ऐसे बुन लेंगे। बुनने के बाद इस फंदे को उतारेंगे नहीं, फिर इस कपड़े की पट्टी को आगे को करके फिर इसमें ऐसे एक फंदे में हमें दो फंदे बनाने हैं। तो इससे हमारा एक फंदा बढ़ गया, पहली बार एक फंदा बढ़ा था, एक फंदा इस बार बढ़ गया, अब ये हमारा ऐसे दो फंदे बढ़ गए। अब फिर ऐसे ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये पहले दो बिना बुने फंदे छोड़े थे, अब दो और छोड़ दिए, तो ये हमारे चार फंदे हो गए। अब इस कपड़े की पट्टी को और सिलाई को दोनों को इस तरह से पलट लेंगे और पहले के जैसे ही ये उल्टा उल्टा पूरा बुन लेंगे पूरी सिलाई। अब ये हमारी पूरी सिलाई बुन गई है। अब इसको पहले फंदे को, अब इसको पहला जो फंदा है इसे हम उतार लेंगे और पट्टी को पलटेंगे नहीं, फिर वैसे ही जैसे हमने दो बार फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही फंदे बढ़ाएंगे। ऐसे पीछे को करेंगे, इसको ऐसे बुन लेंगे, फंदे को उतारेंगे नहीं, फिर कपड़े की पट्टी को आगे को करके फिर वापस ऐसे ही। इसी तरह से हमें 10 फंदे तक बढ़ाने हैं। अब हमारे ये 3 फंदे बढ़ गए। ये पूरा हमने उल्टा बुन लिया है, पहले हमने ये दो फंदे छोड़े थे, फिर दो चार, अब ये दो फंदे और छूट जाएंगे, 6 फंदे, दो दो करके हमने ऐसे ये 3 बार फंदे हमने छोड़ दिए दो दो करके। अब ऐसे ही हमें 10 बार छोड़ने हैं और इधर 10 फंदे बढ़ाने हैं, ऐसे एक एक करके फंदे बढ़ते जाएंगे। अब इतना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये इतने पूरे 10 फंदे बढ़ा लिए हैं, ये हमने 10 बार छोड़ दिए हैं दो दो फंदे करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने दो दो फंदे करके 10 बार छोड़ दिए हैं और ये हमने 10 फंदे इधर बढ़ा दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे 10 फंदे बढ़ गए। तो अब ये जो दो दो छोड़े थे ये 20 फंदे हो गए और 10 फंदे ये, अब ये पूरे टोटल हमारे पास 30 फंदे हो गए। अब इसको हमें बनाना है, पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, फिर ये पूरी उल्टी सिलाई, अब ये हम जितने फंदे ये छोड़े हैं सारे ही फंदे एक साथ ही बुन लेंगे पहले, तो ये पूरी उल्टी उल्टी सिलाई हम बुन लेंगे।
हमने जो भी ये फंदे छोड़े थे अभी हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। ये लास्ट का फंदा इसको हम बुनेंगे नहीं, इससे हमारा क्या है गोला बड़ा हो जाता है। इसको बिना बुने ही ऐसे पट्टी को और सिलाई को पलट लिया, अब फिर इधर साइड से भी ऐसे पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमें इसमें उल्टी साइड कुछ भी नहीं करना है। हमारी ये जो फली सी बनती जा रही है इसके लिए हमें ये फंदे हर बार ऐसे उतारते रहेंगे। ये फंदे उतारने से हमारी ये फली सी बनती जाती है। अब इस कपड़े की पट्टी को पलट लेंगे। पहले हमने फंदे बढ़ाए थे, अब वैसे ही हम फंदे घटाएंगे। अब ये जो दो फंदे हैं दोनों को इस तरह से ऐसे एक साथ ले करके इसको बुन लेंगे ऐसे। अब ये हमारा एक फंदा घट गया। अब एक फंदा घट गया तो अब हमारे पास ये नौ फंदे बच गए। ये नौ फंदे जो हमारे बढ़े हुए हैं वो हम बुन लेंगे। तो ये हो गया 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये नौ फंदे तो हमारे 10 फंदे थे, एक तो हमने यहाँ पे घटा दिया और नौ फंदे ये हो गए। अब इसके बाद अब जैसे जैसे हमने दो दो फंदे छोड़े थे वैसे ही अब इधर साइड से दो दो फंदे हम लेते जाएंगे। हर बार दो दो फंदे यहाँ से ले करके बुनते जाएंगे हर सिलाई में। तो अब ये हम दो फंदे यहाँ से ले लेंगे। अब ये हमारे दो फंदे बुन गए। अब ये कपड़े की पट्टी को और सिलाई को इस तरह से पलट लेंगे। पूरे पायदान में उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है। आप इस पायदान को जितना भी छोटा बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो। 40 फंदे 50 फंदे कितने ही फंदे डाल सकते हो। फिर जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही ये दो फंदे एक और दो ये दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। हमने ये दो फंदे दोनों फंदों के बीच में ये सिलाई को डाल लिया। अब इस तरह से तो पहले एक फंदा हमारा घटा था अब एक फंदा और घट गया। अब ये बढ़े हुए 8 फंदे हमारे पास रह गए। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब ये 8 तो हमारे बढ़े हुए फंदे रह हो गए। अब ये 8 तो हमारे बढ़े हुए फंदे उनसे जो फंदे बचे हुए हैं वो हैं और दो हमने पहले बार इधर से बुना था अब दो इस बार और बुन लेंगे। तो ये तो दो पहले जो बुना था वो हो गया और ये दो एक दो और बुन लेंगे। अब ये पट्टी और सिलाई दोनों को पलट लेंगे।
उतार लेंगे, फिर ऐसे दो फंदे एक साथ बुन करके फंदा घटा देंगे। अब इस तरह से हमारे तीन फंदे घट गए। अब ये दो फंदे इधर से फिर ले लेंगे। अब इसी तरह से इधर हर बार एक एक फंदे घटाते जाएंगे और इधर से हर बार दो दो फंदे लेते जाएंगे। जिस तरह से जैसे जैसे हमने दो दो फंदे छोड़े थे वैसे वैसे ये दो दो फंदे लेते जाएंगे, और जैसे एक एक फंदे बढ़ाए थे वैसे एक एक फंदे घटाते जाएंगे। अब ये पूरी कली बना करके मैं आपको बताती हूँ। हमारी ये पूरी कली बन करके तैयार हो गई है। हमारे पास वापस जितने 20 फंदे हमने डाले थे वो 20 फंदे सिर्फ बचे हुए हैं। 10 फंदे इधर जो बढ़े थे वो हमने पूरे 10 फंदे घटा दिए हैं। अब यहाँ से हम दूसरे कलर की पट्टी को जोड़ेंगे। ये दूसरे कलर के कपड़े की पट्टी को हम यहाँ से ऐसे जोड़ के अब इस कलर से हम पूरे सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब इस कपड़े को इसके बीच में ऐसे ले लेंगे, इस पट्टी को हटाएंगे नहीं, ये यहीं पे रहेगी क्योंकि दूसरी कली फिर इससे हम बनाएंगे। दूसरे कलर की पट्टी से हमने ये उल्टी उल्टी पूरी सिलाई बुन ली है। अब जैसे पहले हमने बनाया था वैसे ही बनाएंगे। ये पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और इस कपड़े की पट्टी को पलट के आगे नहीं करेंगे। इस फंदे में ऐसे पीछे को लेंगे ऐसे बुन करके, फिर इस फंदे को अभी उतारेंगे नहीं, वापस इस पट्टी को आगे को करके इसी में ये दूसरा फंदा ऐसे बुन लेंगे। अब हमारे ये दो फंदे हो गए, एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब जैसे हमने इसमें एक एक फंदे बढ़ाए थे वैसे इसमें भी अब एक एक फंदे बढ़ाते जाएंगे और पूरा ये सिलाई उल्टी उल्टी ऐसे बुन लेंगे। और इस साइड से ये दो फंदा बिना बुने छोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा था। अब हर बार ये इस साइड से दो दो फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे और इधर से एक एक फंदे बढ़ाते जाएंगे और उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई पूरी ऐसे बुन लेंगे। अब कपड़े की पट्टी को और सिलाई को पलट लेंगे। एक बार मैं आप फंदे बढ़ाना और बता देती हूँ। इस फंदे को उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को पलटेंगे नहीं, ऐसे पीछे को इस तरह से सिलाई इस फंदे में डाल के बुन लेंगे, फिर इस फंदे को उतारेंगे नहीं, दोबारा इसको आगे को पट्टी को पलट के फिर उसी में दूसरा फंदा बुनेंगे। इस तरह से पहले एक फंदा बढ़ा था, अब दोबारा एक फंदा और बढ़ गया, तो इस तरह से हमारे दो फंदे बढ़ गए और पूरी सिलाई ऐसे उल्टी बुन लेंगे।
पहले हमने दो फंदे छोड़े थे, अब दो फंदे और छोड़ दिए, हमारे चार फंदे छूट गए और इधर दो फंदे बढ़ गए। जैसे इस कली में हमने बनाया था वैसे ही दस तक दो दो फंदे हम 10 बार छोड़ते जाएंगे और 10 बार छोड़ने से हमारे ये 20 फंदे छूट जाएंगे और 10 फंदे इधर बढ़ जाएंगे तो 30 फंदे हो जाएंगे। ऐसी ये सारी कली बना के तैयार करनी है जैसे हमने इसमें बनाया है ये सारी कली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये पायदान बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है और बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमने दो कलर से बनाया हुआ है, आप इसे तीन कलर से भी बना सकते हो, जैसे दो दो कली एक एक कलर से भी बना सकते हो, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे बना सकते हो। हमारा ये देखने में बहुत ही सुंदर है और लास्ट में दो दो फंदे करके ये सारे फंदे एक साथ बंद कर देंगे एक सिलाई में ही। हमने और भी पायदान में ये बंद करना आपको बताया हुआ है। अब ये यहाँ से यहाँ पे दोनों को आपस में ऐसे पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। मैं ये आपको सील करके बताती हूँ। यहाँ से इसको ऐसे ले लेंगे और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे दोनों को पकड़ के आपस में। सिलने के लिए मोटे धागे का ही इस्तेमाल करना चाहिए करेंगे नहीं तो ये धागे धुलते समय टूट जाते हैं। ऐसे ये पूरा सिल लेंगे। ये पायदान पूरा सिल करके तैयार हो गया है जो देखने में बहुत ही प्यारा है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारा सुंदर सा फूल वाला पायदान बन करके तैयार हो गया है। ये आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं जिससे हम सुंदर सुंदर पायदान की वीडियो आपके लिए और डाल सकें। अगर हमारी ये पायदान की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।